हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कल्प जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्ले के अंदर 2D सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर रिलीफ के अंदर काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से किसी भी पोर्ट्रेट को और किसी भी लैंडस्केप को किस तरीके से 2D सरफेस के ऊपर मेज़र कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पोर्ट्रेट के ऊपर पहले से ही कुछ लाइन्स को ड्रॉ किया है जिसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको मेज़र करके दिखाऊंगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आउटर पार्ट को मेज़र करूंगा जिसके लिए मैंने लाइनों को ड्रॉ किया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जो फेस की जो हाइट है उसको मेज़र करेंगे, जिसके लिए हम हेयर वाले पार्ट को से लेकर चिन वाले पार्ट तक इसको देखेंगे और इसके साइज़ को मेज़र करेंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है जिससे हमें ओवरऑल फेस का जो साइज़ है वो पता लगेगा। इसके बाद हम फोरहेड से लेके चिन वाले पार्ट को मेज़र करेंगे। ये हमें नॉर्मल जो ओवरऑल हाइट है उसके बारे में बताएगा। साथ ही हम साइड से भी अगर इसको देखें तो हमें जो भी सबसे ज़्यादा जो आउटर वाला पार्ट है हम उसको मेज़र करेंगे, लाइक जो हमारे ईयर्स हैं पोर्ट्रेट के उसको और जहाँ हमारे गालों वाला पार्ट है उसको। तो आप देख सकते हैं मैं किस किस तरीके से इसको मेज़र कर रहा हूँ, साथ ही आप जॉ लाइन को भी मेज़र कर सकते हैं। इसी के साथ फोरहेड को भी मेज़र करेंगे जिससे कि हमें एक ओवरऑल साइज़ का जो है पता चल जाएगा। साथ ही नेक वाले पार्ट को भी मेज़र करेंगे जिससे कि हमें उसकी मेजरमेंट का भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे जो इनसाइड वाले फीचर्स हैं उनको हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ आइज़ की, तो हमारी जो ओवरऑल जो फेस है उसके अंदर जो आइज़ वाला पार्ट है वो कितने पार्ट के अंदर आना चाहिए इसके लिए हम इसको मेज़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने ओवरऑल आइज़ को जो है साइड से मेज़र किया, उसके बाद फिर जो नोज़ के आउटर वाला पार्ट होता है उसके बाद मैंने आँखों को मेज़र किया, इसके बाद हम नोज़ को मेज़र कर रहे हैं जिससे हमें नोज़ का भी मेज़रमेंट का आइडिया मिल जाएगा। साथ ही हम लिप्स को भी एफ टू एच मेज़र करेंगे जिससे कि हमें एक ओवरऑल पोर्ट्रेट के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप जो आईब्रोज वाला पार्ट है उसको भी आप इस कैलिपर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, और जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो हमें एक ओवरऑल जो फेस है फेस के ऊपर किस किस तरीके से हम इन कैलिपर्स को यूज़ कर सकते हैं और उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। साथ ही अगर हम इनसाइड कैलिपर की बात करें तो उसके लिए भी अगर आपको केवल फोरहेड वाला पार्ट को मेज़र करना हो तो आप किस तरीके से कर पाएंगे आप देख सकते हैं। साथ ही फोरहेड से लेकर फिर नोज़ को अगर आपको मेज़र करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, फिर लिप्स से लेकर जो चिन वाला पार्ट है आप उसको भी किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर जो नोज़ है नोज़ से लेके जो लिप्स वाला पार्ट होता है उसके बीच में कितना गैप है उसको भी आप इस कैलिपर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बालों को भी मेज़र कर सकते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो बालों वाला पार्ट है वो कितने एरिया के अंदर आएगा। और इसके साथ साथ आप जो आँखों का जो साइज़ है उसको भी ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। इनके अलावा आप जो कान होते हैं कान को भी इनको ईज़िली आप मेज़र कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिससे कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से 2D सरफेस के ऊपर पोर्ट्रेट को मेज़र कर सकते हैं। साथ ही हम साइड प्रोफाइल को भी मेज़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने पहले से ही कुछ लाइंस को ड्रॉ कर रखा है जिससे कि हमें किस तरीके से हम इसको मेज़र कर सकते हैं उसमें हमें आइडिया मिलेगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले जो आउटर पार्ट है सबसे पहले उसी को मेज़र करेंगे। तो जो नोज़ है नोज़ से लेके जो हेड है हम उसको मेज़र करेंगे, और जिसके लिए मैं अभी आउटसाइड कैलिपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी एक एक पार्ट को अच्छे से मेज़र कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहते हो। आप एक एक फ़ीचर को कंपेयर करते हुए एक दूसरे से आप उसको आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी जो आउटर वाला पार्ट है उसी को मेज़र कर रहा हूँ, और हमने इसमें हम जो बालों से लेके जो हमारे नीचे जो फाइनल लाइन है उसको भी हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर भी हम इनसाइड कैलिपर का यूज़ करेंगे जिससे हम फोरहेड और फोरहेड से लेके नोज़ फिर नोज़ से लेके चिन इन सभी पार्ट को मेज़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके से मैं
सैड प्रोफाइल में भी इन कैलिपर का यूज़ कर रहा हूँ, और आप इस तरीके से कर सकते हैं और इजीली भी किसी भी पोर्ट्रेट को आप क्ले के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर थी कि आप किस तरीके से 2D सरफेस में भी इन कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही किस तरीके से आप इनको मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको 3D सरफेस के साथ किस तरीके से आप कैलिपर्स का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर 3D पोर्ट्रेट में कहाँ कहाँ यूज़ कर पाएंगे, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा।